नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। हमारी खबर का असर अब दिखने लगा है। दरअसल कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें गया जिला में मुखिया पद से चुनाव जीतने के बाद मुखिया के समर्थकों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। वो सरेआम हवाई गोलीबारी कर रहे थे। इसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल होने लगा था जो कि हमने आपको दिखाया था। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की पहचान भी कर ली गई है और उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं मुखिया मनोज शर्मा ने कहा है कि वो इस घटना का समर्थन नहीं करते, वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद डिफेंस से हैं और वो अनुशासन को समझते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है फायरिंग का मामले में, क्या आपका कहना? भाई देखिए, आप लोग, पहले तो मैं चैनल वालों को सम्मान करता हूँ। चैनल के माध्यम से ही हमें वीडियो देखने को मिला है, लेकिन हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं। मैं सज्जन आदमी हूँ, मैं डिफेंस से आया हूँ, डिफेंस के अनुशासन को मैं जानता हूँ, अनुशासन में रहना पसंद करता हूँ। कौन मेरे पीछे क्या कर रहा है, कौन हथियार लेके घूम रहा है, कौन स्टेटस में लगा रहा है, कौन फायरिंग कर रहा है, इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कानून का सम्मान करता हूं, जो इसमें दोषी पाए जाए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। हमें इस सबसे कोई लेना देना नहीं है भाई। जैसा कि आपने देखा, मनोज शर्मा का कहना है कि वो इस घटना की निंदा करते हैं, इसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि जो कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। एक व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।